दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह क्या जाएगा? यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो, बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी, तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। आह, किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं, इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े। हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह, रेवेका, तुमने जार खोला, अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने ये रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। मेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़ी डरावनी दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही है, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स है जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। हाँ, वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है, मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है, ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेवेका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है, और मार्गो को विटामिन की जरूरत है, इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे यकीन है मार्गो को यह बहुत पसंद आएगा।
मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि ये तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारे मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। वेंसडे हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पिच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी सो मच, यह खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से, मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? यह थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि यह अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है, मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है, ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे, तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं अभी क्या करती रहती हूँ। आह, कितना भयानक है। वेंसडे, देखो आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद, मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आंख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको यह आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वह नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेंसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेंसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान, मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रोटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वह लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी।
खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबिका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है, पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है, और आज कोई अपवाद नहीं है, ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर, वाह। खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बंस के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बंस ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को दो हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट, ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओ, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप, क्यों नहीं। अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बंस के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है। वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा, वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीव हो। लेकिन किसी चीज की कमी है। यह अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो, ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा, अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है, चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या यह प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर वह नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, ये विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर। हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, यह थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है, और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट, इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी, ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है, चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए इस तरह से। ओह, वाह, क्या कर रही है। हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है, सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो
दो, आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। लेकिन यह इतना ही नहीं है, फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेंसडे, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक, हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेबी सिरप, बढ़िया। और यहाँ हरिबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो, हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, यह बढ़िया है, यह स्वादिष्ट है, मुझे यह पसंद है। ओह, और यह दादी के हॉट चॉकलेट है, बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ, बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाव, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यह। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे, ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओ हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, यह स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओ, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आँखों को ढक ले, यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है, और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू, मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। ओह, ओह,
चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ।